हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी नई वीडियो में। तो आपने पिछला व्लॉग देखा था भरतपुर फोर्ट का, उसके बाद में आज हम आपको फिर से ले आए हैं एक बार। तो आज हम आपको भरतपुर म्यूज़ियम दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। जो आपने आप सामने जो मैप देख रहे हैं, ये पूरे फोर्ट का है। इसमें जो नहर दिखाई हुई है सुजान गंगा, और ये पूरे के पूरे 12 गेट हैं जो भरतपुर के अंदर ही स्थित हैं ये सारे। चलिए फिर लेके चलते हैं आपको अंदर। ये दोस्तों यहाँ पे टिकट विंडो है, तो आप टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे 20 से 40 रुपए के अंदर टिकट मिल जाती है पर पर्सन की। अब आपको कुछ मूर्तियाँ दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं बता दें कि ये मूर्तियाँ यहाँ के आसपास के जगहों से ही पुरातत्व के दौरान मिली थी। तो यहाँ इन मूर्तियों में दोस्तों एक मुखी शिवलिंग, बोधिसत्व पालक और बुद्ध का शीश, महिषासुर मर्दिनी, कार्तिकेय की कुषाण कालीन मूर्तियाँ जो बहुत ही उल्लेखनीय हैं। तो सारी की सारी जो भी प्रसिद्ध मूर्तियाँ हैं जो यहाँ पे मिली गई पाई गई थी, तो सारी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप इनको देख सकते हैं यहाँ पे, और इनमें क्या है कि इनके आगे एक लिखा हुआ है इनके बारे में सब कुछ। तो आप आएंगे तो पढ़ेंगे इनके बारे में। ये सामने आप मूर्ति देख रहे हैं, ये है बराह अवतार। और दोस्तों बता दें आपको कि यहाँ पे द्वितीय काल से लेके संगुकाल, कुषाण काल, गुप्त काल, मध्यकाल व 19वीं शताब्दी ईस्वी तक की विभिन्न प्रस्तर प्रतिमाएं एवं कलापूर्ण वस्तु खंड प्रदर्शित किए गए हैं। तो आइए आपको और ऊपर लेके चलते हैं। यहाँ से आप राइट में जाएंगे तो इधर की साइड में एक गार्डन है, और यहाँ पे जो आम जन के लिए वॉशरूम बना हुआ है देख सकते हैं आप यहाँ से, जो ये फोर्ट उसका म्यूजियम का नज़ारा अंदर की साइड का। तो आपको लेके चलते हैं फिर अंदर और दिखाते हैं इसके बारे में, जो भी आर्ट गैलरी वगैरह, जो भी वेपन्स वगैरह हैं, जो सारे कुछ आपको दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों बता दें कि यहाँ पे जितने भी ये सामान है, तो सारा जो भी मिला था पुरातत्व खुदाई के दौरान, तो ये सारा आसपास के गांव जैसे कि नो, अगापुर, गांवड़ी, बीराबई और मेला, जगीना और दोस्तों तुया, सोगर आदि गाँवों से मिला था। और जैसे इनमें कुछ बड़े कस्बे भी शामिल हैं जैसे कि बयाना, कामा, कुमेर, वैर, भुसावर, रुब्बा आदि कस्बों से प्राप्त पुरातत्विक सामग्री प्रदर्शित की गई है दोस्तों इसमें। और ये सामने आर्म्स गैलरी है, इसमें आर्म्स और बच्चों की गैलरी है, कुछ आर्ट गैलरी है। तो आपको दिखाते हैं, देखिए नए नए तरह की पिस्तौल वगैरह वेपन्स सारे कुछ इसमें। शस्त्रागार और कलाशिल्प और उद्योग दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इसमें कई बड़ी बंदूकें, छोटे वेपन से जो भी बड़ा है, जो भी तोप वगैरह है, सारा कुछ है यहाँ पे। तो आप आओगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही सुंदर इसको बनाया गया है संग्रहालय को। जो म्यूजियम में जो इमारतें हैं दोस्तों, उनका निर्माण महाराजा बलवंत सिंह जी ने 18वीं व 19वीं शताब्दी में किया था। तो दोस्तों प्रशासनिक खंड कचहरी कला को 1944 ईस्वी में राजकीय संग्रहालय में बदल दिया गया था। तो इसमें जो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे जो अंदर ये आर्ट गैलरी और ये वेपन्स गैलरी है, तो इसके साइड में दो जैसे एक पैलेस हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तो एक जो कामरा पैलेस है जिसे कमरा पैलेस भी कहा जाता है, और एक है सिलहखाना। तो यहाँ पर जो क्या है खजाने को संग्रहित किया जाता था पुराने समय में। तो ये है कामरा पैलेस वाली जगह। तो दोस्तों आप और पढ़ सकते हैं इसे जूम करके, पॉज करके। देख सकते हैं आप नक्काशी वगैरह, यहाँ की जो पेंटिंग थी ये पुराने समय से, और ये पंखे वगैरह जो भी है। ये दोस्तों बता दें कि ये पंखा हाथ से चलाया जाता था उस समय। ये गेट वगैरह सारे, ये कामरा पहले से दोस्तों। ये तो उस समय की सिगड़ी है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें आग लगाई जाती थी तो धुआं ऊपर की साइड में जाता था। आइए आपको डाइनिंग हॉल दिखाते हैं। डाइनिंग हॉल है उस समय का, देख सकते हैं कितनी सुंदरता से इसको बनाया गया है। और
ये दोस्तों बर्तन है उस समय के, जो चांदी के बर्तन है, कुछ इसमें सिल्वर के हैं, और इन पे जो नक्काशी हो रही है और जो पेंटिंग हो रही है बहुत ही शानदार है। और ये कुछ लैंप वगैरह जो लाइट के जो यूज़ लिए जाते थे उस समय में, ये कुछ अपने जो भगवान की मूर्तियाँ हैं, और ये बाट हैं वजन तोड़ने के लिए जो इनको यूज़ लिया जाता था, ये पुराने समय की कुछ घड़ियाँ हैं, और बच्चों के यहाँ पे खिलौने हैं, सारा कुछ है उस समय में जो बनाई हुई सब बहुत अच्छी कलाकृतियाँ वगैरह जो सब कुछ है यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं पत्थर से बने हुए बर्तन, और ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये बहुत अस्त्र और शस्त्र यहाँ पे रखे हुए हैं। ये महाराजा की जो पुरानी ड्रेस थी युद्ध के दौरान जो यूज ली जाती थी वो है। तो आइए दोस्तों आपको आगे लेके चलते हैं, अभी आपको हम 56 खंभावे 12 दरी दिखाते हैं। ये सामने जो देख रहे हैं ये है 12 दरी सामने, तो इस पर आपको हम दिखाते हैं, और इसकी जो नक्काशी है बहुत ही सुंदर है, तो आप कभी आइए तो इस सुंदरता को देखिए, क्योंकि वीर ये दोस्तों 12 दरी देख सकते हैं हम, नक्काशी कितनी सुंदर है। आइए आपको ऊपर लेके चलते हैं, अभी सामने आप देख रहे हैं दोस्तों ये 56 खंभा, ये इमारत जो 56 खंभों पे टिकी हुई है इसलिए इसका नाम 56 खंभा है, तो वो भी दिखाते हैं आपको। यहाँ से देख सकते हैं आप भरतपुर शहर का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं दोस्तों ये यहाँ का गुरुद्वारा, जो कि यहाँ पे सुजान गंगा नहर है बीच में, उसके आगे है थोड़ा सा, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमने अभी आपको दिखा दिया म्यूजियम, तो उसमें कैसे पुराने समय की जो वस्तुएं रखी हुई है, सामान रखा हुआ है, तो बहुत चोरी छुपे दिखाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो गार्ड बैठे थे जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने मना कर रखा है ये चीज़ें अपन नहीं दिखा सकते हैं, पर हमने थोड़ी बहुत आपके लिए दिखाने के लिए थोड़ी बहुत वीडियो बना ली थी। तो दोस्तों इतनी कसम कस करी तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों आपके लिए। भी देख सकते हैं मेरे पीछे जो यहाँ का गार्डन, मैं दोस्तों अभी 12 दरी के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, ये एक गुंबद टाइप में है 12 दरी के ऊपर ही फर्स्ट मंजिल पे, और अभी आपको जो दिखाते हैं, और अभी नीचे का पार्ट में सारा कुछ बाकी है वो दिखाते हैं आपको। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हैं दोस्तों सुजान गंगा नहर, इसको भी अभी आपको मैं और सही तरीके से दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे जो भी नया आया है चैनल पे, और अपने वीडियो लाइक करते रहें, प्यार देते रहें भाई के लिए। ये दोस्तों 56 खंभा बहुत सुंदर इमारत है, जो कि 56 खंभों पर टिकी हुई है, देख सकते हो आप। और आपको नजदीकी से बताते हैं, ये दोस्तों सामने किशोरी महल, जो कि आपको हमने पुरानी जो पहली इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें इसका ब्लॉग दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जाके। दोस्तों देख सकते हो आप, ये कुछ बच्चे यहाँ पे जो संग्रहालय डूंगरपुर से आए भ्रमण के लिए, डूंगरपुर से इनका आज यहाँ पे ट्राई का मैच है, कबड्डी का मैच है। ये
ये दोस्तों यहाँ का सभागार है जहाँ पे महाराजा बैठते थे, यहाँ सभाएं चलती थी। ये उनका वो सिंहासन है और यहाँ पे उनकी ड्रेस है। और ये दोस्तों गुप्त एक कमरा होता था पहले, वो है। तो यहाँ से अब इसे बंद कर दिया गया है, इसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, देख सकते हैं आप। तो ये दोस्तों घंटियाँ लगती नहीं, ये तो खाली अभी फैंसी शो के लिए अभी लटकाई गई थी बाद में। और ये कुछ यहाँ पे तोप रखी हैं जो छोटी साइज की हैं। ये दोस्तों स्नानागार, जो यहाँ पे साई स्नानागार के नाम, आइए आपको अंदर दिखाते हैं। और तो दोस्तों इसे साई हमाम के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण है जो महाराजा जवाहर सिंह जी ने करवाया था। तो इसमें आप देख सकते हैं जो नक्काशी और जो पेंटिंग्स हैं ये उसी समय की हैं। तो इसे जो तुर्किस हमाम बोला जाता है एक तरह से। तो यहाँ पे जो ये जो है जो पूरी पद्धति का जो शैली का मिश्रण था, ये राजपूत व फारसी शैली के मिश्रण का एक अनूठा नमूना था उस समय का। तो इसमें क्या है कि दोस्तों बता दें आपको, भाप और मसाज की भी सुविधा उपलब्ध थी उस समय। ये है, तो ये एक बात तब है दोस्तों जिसमें एक ठंडा व गर्म पानी आता था। यह टेक्निक आज भी इंजीनियर को चकित करती है। ये आप देख सकते हैं भट्टियाँ हैं जो पीछे की साइड से इसमें आग लगाई जाती थी और इसमें पानी भरा रहता था जिससे वो गर्म हो जाए। तो यहाँ क्या, इसमें बहुत सुविधाएँ थी। तो ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 18वीं-19वीं शताब्दी का ही है लगभग। तो जो इसमें दीवारों पर जो प्लास्टर हो रहा है दोस्तों, ये है RIS प्लास्टर। और इसमें जो क्या है, प्राकृतिक रंगों से आला गीला पद्धति से चित्रण किया गया था इसमें सारा कुछ, जो भी पेंटिंग्स हैं। तो बहुत ही सुंदरता से इसे प्रोया गया और बनाया गया था। तो ये दोस्तों ये क्या, आमजन जो इसको गंदा कर जाते हैं इसलिए जाली वगैरह लगाई हुई है यहाँ पे, देख सकते हैं आप उस समय का एक अनूठा नमूना। तो दोस्तों जो आप अंदर एंट्री करते हैं तो लेफ्ट राइट साइड में दोनों साइड में जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं और सामने है सभागार और बीच में है गार्डन। तो बहुत ही सुंदर, और एक यहाँ का नाइट जो व्यू है दोस्तों बहुत ही सुंदर होता है। तो आप कभी आइए। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो म्यूज़ियम है लास्ट नाइट में 8 बजे तक खुलता है। ये है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब करें दोस्तों।